जय हिंद। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। बहुत जोर। अच्छा पता तो है ही सबको, दो साल कैसे हो रहे हैं कंप्लीट एज ए टीम कंप्लीट। तो चैनल की शुरुआत तो 2018 की है, बट 15 अगस्त 2020 को एज ए टीम हम लॉन्च हुए, यानी रोजगार विद अंकित। पहले सिर्फ अंकित के साथ रोजगार था बच्चों को, तो रोजगार विद अंकित से RWA बन गया 15 अगस्त 2020 को। RWA मतलब रोजगार विद ऑल, ठीक है, कि हम सबके साथ रोजगार में, ठीक है। तो अब रोजगार विद अंकित नहीं रहा है, नाम तो यही चलेगा। तो कुल मिला के सबने दो साल में जो दिया है और बच्चों ने जिस तरह से प्यार दिया है, आपने उनको कुछ दिया, बदले में उन्होंने कुछ दिया, मतलब दोनों तरफ से दिया ही, आपने भी और। तो कुल मिला के ये दो साल में ये बहुत बड़ा लक्ष्य, जो मतलब एक 4 मिलियन का परिवार, इतना बड़ा परिवार, ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है कि दो साल में हम सोच नहीं सकते कि हम कभी इतने ऊपर जा सकते हैं। और पहले 2.5 साल के थे ही हमारे 5.5 लाख सब्सक्राइबर, और अब अगले 2 साल में तो ये मान के चलो कि भाई 3.5 है, तो अब कुल मिला के 3 लाख से प्लस, 3 मिलियन से प्लस सब्सक्राइबर इन्हीं 2 साल में आए। तो सभी बच्चों का इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है, और आप लोग का अच्छी बात है कि 15 अगस्त पे हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो इसमें हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं साथ में, कि हम आज़ाद हुए, है ना। और हमारे जो चैनल का जो नींव है वो भी इसी दिन रखी गई थी, और टी शर्ट का जो फ्लैग है ये इसकी हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमने 15 अगस्त की शुरुआत की थी, इसलिए ये फ्लैग है ना। तो कुछ दो शब्द कोई और टीचर बोलना चाहे कि कैसा लगा है अंकित सर, 2 साल इनको हो गए पूरे हैं चैनल से जुड़े हुए, तो इनको 9 अगस्त से इनकी शुरुआत है चैनल पे, 9 अगस्त 2020, और एज ए टीचर ये अक्टूबर 2020 से है चैनल पे। तो कुल मिला के 2 साल में कैसा लगा जुड़ के टीम से, बताओ थोड़ा सा। बहुत अच्छा लगा पूरे परिवार से मिलके, और आप सभी बच्चों का बहुत सारा प्यार मिला है अभी तक, और आगे भी ऐसा ही मिलता रहेगा। हाँ, थैंक यू सभी प्यारे बच्चों। हाँ, और ऐसा बताओ कि हम जिस बच्चे ये पूछते रहते हैं लगातार, ये सोचते रहते हैं कि भैया ये पता नहीं टूटते ही रहते हैं सबके परिवार, तो ऐसा तो कोई दिक्कत तो भी आएगी इनके मन के, शांत करो थोड़ा सा जो ऐसी बच्चों पर आएगी, भैया ये जो परिवार है परिवार टूटने के लिए नहीं होते, है ना, वो प्रोफेशनल परिवार होते होंगे जो टूटते होंगे, पहला 15 अगस्त को देख रहा था जो चैनल लॉन्च हुआ, तो कई नए चेहरे हैं, मतलब पुराने चेहरे हैं जो अब नहीं है, है ना, तो वो चीज़ हमें भी बहुत बुरी लगती है। तो कुल मिलाकर ये परिवार अब थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा समझदार हो गया था, उस टाइम समझदारी की कमी रही होगी उनमें हमें सब में। चलो बहुत बढ़िया। तो सनवीर सर आप बताओ, आप कब से जुड़े हो? सर मैं तो उससे पहले ही जुड़ा था, तारीख तो मुझे याद नहीं है अंग्रेजी के लिए। हाँ, आप तो सबसे पहले जुड़े हुए हो। वो मैं जो पहले पढ़ाता था वो बच्चों को याद ही नहीं, मैं क्या पढ़ाता। हाँ, तब बच्चे बहुत कम देखते थे, है ना, तो इंग्लिश है, इंग्लिश को ये क्षेत्र देखता भी कहाँ है। मैंने छोड़ दिया सर ऐप पे, फिर मतलब कम बच्चे आते थे, फिर आपने एक बार कहा कि हम आपका यूज नहीं कर पा रहे जितना हमें करना चाहिए। हाँ, यही शब्द थे आपके। हाँ, अच्छा। टाइम पे फिर मैंने कहा सर करो तो यूज। हाँ। से निकल गया ऐसे। हाँ। तो सर ने वैसे यूज किया कि तो की नींद खो दी। तो सर जो है इंग्लिश के लिए जुड़े थे, अगर सबको नहीं पता हो तो, सर इंग्लिश पढ़ाने आए थे चैनल पे, और बहुत ज्यादा बच्चों का रेस्पॉन्स इसलिए नहीं आया क्योंकि एक तो लाइव क्लास नहीं थी, पेन टैब की वीडियो थी, और एक तो इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट और उसमें टीचर की शिकल ना दिखे तो फिर कहाँ मन लगता बच्चों का। तो फिर जो है सर करंट अफेयर्स में 4 जनवरी UPSI का जो बैच आया, तो फिर करंट अफेयर्स में तब से उतरे 4 जनवरी 2021 से, और तब के जुड़े हुए अब तक नहीं रुके,
आपको बताइए तो जुड़ना तो जो भी है सर ये शुरू और लास्ट यही है, अगर यहाँ से हटे तो फिर मैं हट ही जाऊंगा। बाकी सर एक मिनट वीडियो से चाहे तो आप काट देना। उनकी सजा तो ऐसा था सर, वो निर्मल बाबा के यहाँ गए, शादी गई टूट गई थी, आरडब्ल्यू से जुड़ो कृपा तो वही अच्छी है। दीपक भाटी सर होने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, भूल गए बच्चों, उसके लिए माफी नहीं। तो दीपक भाटी सर भी है, उनके बिचौलिया भी आगे ये भी दिखा देते। तो चलो और राहुल सर के भी कितने, 2 साल हो गए सर? 2 साल ये तो एक अगस्त के आसपास जुड़ गए थे, तो 2 साल कुछ दिन हो गए हैं। तो बताओ सर कैसा सफर रहा, कैसे? एकदम बढ़िया सर। बढ़िया। और ये नवीन आजा भाई, इनका भी जरूरी है, 2 साल हो गए तो ये बताएगा। तो ये शायद इन सबसे नया ही है, तो राहुल सर से भी बाद में जुड़ा है और इनसे अंकित चौधरी सर से भी बाद में। तो अक्टूबर नवंबर अक्टूबर 2020 22 अक्टूबर 2020 को पहला वीडियो, और वो किसका था, स्टैटिक का या हिस्ट्री का? और फिर स्टैटिक बारे में है ना, तो तब से जुड़ा है। और फिर मैं तो इसको तू तड़ाकी बोलता हूँ, इसलिए कभी बुरा लगे तो बता रहे छोटा, क्योंकि इसका बड़ा भाई जो है वो मेरा क्लासमेट रहा है और ये उसका छोटा, तो पहले से ही मिलना जुलना रहा है। तो कुल मिला के जब से चला है तो आपको पता ही है कोई कैसा सफ़र रहा। तो एक टीचर हमारे यहाँ से अचानक छोड़ के चले गए थे, तो मैंने वो इसके बड़े भाई से बात की, तो उसने बोला एक बार नवीन को चेक कर ले भाई, वो देख ले अगर वो कुछ काम कर जाए तो। मैंने कौन सा सब्जेक्ट, मन क्या हिस्ट्री का गया हमारे यहाँ तो टीचर, तो हिस्ट्री चेक कर ले। तो मतलब ये इसमें क्या था कि बहुमुखी प्रतिभा, ये जिस सब्जेक्ट को लेता तो ये उसमें ही चल जाता। तो फिर हिस्ट्री में मन की कर पाया काम, हाँ बिल्कुल कर, वो पढ़ा तो देगा ही। मतलब वो उसने बोला था कि बस मुझसे कि एनर्जी का पावर हाउस है ये देख, मतलब जितने क्लास चाहिए उतने ले जाना, जितना काम चाहिए उतना ले जाना। तो वो चीज़ इसमें उसने मुझे बताई, जब उसने एनर्जी का पावर हाउस बोला तो बहुत ज़्यादा परिचित मैं नहीं था, क्योंकि ये 2-3 साल पीछे था क्लास में भी, तो बहुत 2 साल में उसके साथ पढ़ा था इसके भाई के साथ। तो फिर ये उस वहाँ जहाँ पढ़े थे उसी स्कूल में ये भी था, तो वहाँ ज़्यादा इंटरेक्शन मेरा इससे बिल्कुल भी नहीं था। पर मैंने पूछा भाई तेरी तरह ही है, तो है ना मुझसे ठीक है। तो इसका भाई दिल्ली पुलिस में, नहीं मुझसे बढ़िया। तो उसका भी होशियारों में नाम होता था इसके भाई का, हमसे मतलब ठीक ही था, तो इसलिए मैंने पूछा तेरी तरह। तो कुल मिला के जब से चला है आपके सामने ही है कैसा सफ़र रहा है। और जो भी मैंने इसको सब्जेक्ट दिया, मेरे पास कंप्यूटर था दिल्ली पुलिस का, मन की यार कई सारे सब्जेक्ट हो रहे हैं मेरे पास, कंप्यूटर भी इसको ही दे देता हूँ। तो फिर इसने कंप्यूटर में भी एक मैराथन ली और वो ऐसी उठी फिर कि उससे एक बेस बना कंप्यूटर की वीडियो से। फिर हिस्ट्री पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, सब आपको पसंद आती थी, यही सफ़र रहा है इसका। और कुल मिला के अब 2 साल अभी पूरे हुए नहीं हैं और RW में क्या पहचान है आप सब नहीं जानते हैं। तो मतलब मेहनत है हर टीचर की, जो जितनी मेहनत करेगा वो ज़्यादा चमकेगा, जो बच्चों को रिजल्ट देगा वो ज़्यादा चमकेगा। हम तो एक ही बात सारे टीचर्स को बोलते हैं, रिजल्ट दो बच्चा अपने आप तुम्हें कहाँ ले जाएगा पता नहीं, ठीक है। तो ये नवीन का सफ़र और बाकी आजा भाई राहुल शर्मा। तो राहुल शर्मा कब जुड़ा है ये? अक्टूबर से गांव का ही है, ऐसे ही बोले अच्छा पहले से। तो दरअसल वो क्रिकेट खेले हैं हम साथ में ऐसे ही, ये भी किसी के जाने पे ही आए हैं, किसी के जाने वाले, उसके जाने वाले का नाम नहीं बताना। तो ये भी जो है किसी के जाने पे ही जुड़े, तो ये बड़ा शांत स्वभाव, इसकी एक खास बात है कि ये इसको कुछ भी कह लो पूरा स्टाफ से सबसे ज्यादा अगर किसी की बनती है दोस्ताना व्यवहार तो इसका,
ऐसे ही मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, अब और नाराज हो जाएंगे तुम तो। तो सबसे ज्यादा मतलब घुल मिल के जो रहना है वो इसका है, और इसका बड़ा शांत स्वभाव है, बहुत तगड़ा। तो कुल मिला के मतलब इसका स्वभाव की वजह से हमें बहुत ज्यादा पसंद है, और मेहनत अपनी क्लास के लिए तो क्या शानदार करता है, और मतलब बहुत मेहनत करता है अपनी हर क्लास के लिए। और मतलब इस पे वो नहीं आता जैसे संदीप डायलॉगर है, डायलॉग मारने और आपको टाइम टू टाइम मोटिवेशन, वो वाले जोश वो नहीं, वो अपना कंटेंट बेस्ट देता दे सकता है। बाकी फालतू की चीजें, बहुत फालतू की चीजें इसको नहीं आती, पढ़ाने से मतलब आता है, तो ये एक खास बात इसके अंदर है। बहुत बढ़िया। और टूटने का सोचा कभी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। कहीं सौ पर आया 10 लाख रुपए महीना देंगे ना। तो चलो बढ़िया, तो आ जाओ भाई, आ जाओ संदीप। तेरा कब से जुड़ा हूँ, कब चल रहा है, बेइज्जती होगी। मेरा ज्यादातर टीचर्स के साथ तू चढ़ा की है, तो ऐसा बुरा ना माने, हम एकदम बिल्कुल घर परिवार की तरह, छोटे भाई बहन की तरह रहते हैं, तो इसलिए तू चढ़ा के, वो नहीं है, इज्जत पूरी है। तो बता भाई कब से जुड़ा, कब से रहा? 9 सितंबर 2021, अभी एक साल, पहले वीडियो तो अभी एक साल नहीं हुआ, बहुत नया टीचर है, और यूपीएसआई 2-स्टार सीरीज में पहली वीडियो थी, है ना जी। तो तब से बच्चों ने तो इसको भाई आप पलकों पे बिठाया ही है, पता ही है कि प्यार कितना करते हो, और बाकी टूटने जुड़ने का इससे भी पूछ लेते हैं। दरअसल मैं आपके सामने कह देंगे तो पक्की हो जाएगी, पूरे स्टाफ बिखड़ा पीछे घुमा दे एक बार, तो पूरे स्टाफ बिखड़ा पीछे, तो इनके सामने एक तो शपथ हो जाएगी, और एक पूरे यूट्यूब के सामने शपथ हो जाएगी, और फिर ये कहीं भी जाएगा ना पढ़ाने, इसके पीछे पड़ जाएंगे, यार तू उस दिन तो एक इसलिए यहाँ कहलवाने का बड़े फायदे। अब हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि हम दिखाएंगे खुश होंगे, देखो मेरे छोड़ने की तरफ, तो हम दिखा नहीं सकते, तो हम दर्द बयां भी नहीं कर पाते आप लोगों के सामने, पर बहुत ज्यादा होता है किसी भी टीचर के छोड़ने, क्योंकि उससे इमोशनली अटैच हो जाते हैं, हम बहुत मन से उसके साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो बताओ भाई जुड़ने टूटने का कुछ ख्याल आया हो? अलग विचारधारा के तुम अलग क्यों, बताओ ये कोई मतलब है? हाँ, कोई टूटने के लिए बस ये है कि टूट कर जाएंगे भी कहाँ। हाँ, ना बहुत सारी जगह अच्छा, बस टूटने की बात भी शायरी में, टूटने की बात तो नहीं है। हाँ बताओ ना जी, टूटने का ऐसा तो मतलब ऐसा कभी जाएंगे ही नहीं, मतलब क्योंकि सब कुछ यही है, अपना परिवार है, तो परिवार से अलग होकर फिर नया परिवार बनाओ, फिर वहां से टूट के कहीं और जाओ, तो परिवार ही बनते हैं। ये बढ़िया जवाब नहीं है, ये तो हम संतुष्टि पूर्ण है, बच्चों को इन बातों से ऐसा लगेगा ये ही जाएगा। उनको रूप में जो देवे दो ना, वो थोड़ी कॉन्फिडेंस से शादी हुई और चलो फिर कहीं और, या तो उनपे उनकी घरवालियों का असर होता है, कब तक वहां जुड़ा है, कहीं और अपॉर्चुनिटी खोजो, तो वो ऐसा ज्यादा हुआ है। इनकी तो शादी सुधा है, खैर ये खतरा खत्म है। और बताओ मतलब कुछ ऐसा बताओ बच्चों को, भाई ये मास्टर है सबसे घोटा, ये नहीं उखड़ेगा किसी से, बताओ कुछ ऐसा बता दो कि भैया आप नहीं जाने वाला, कैसा ये है ना जी, जाने का तो कोई मन ही ना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं खैर मतलब ये है कि ये बता दो, क्योंकि तुम छोड़ के आए हो कहीं और से, इसलिए कहलवा रहा हूँ इतनी ज्यादा। तुम पहले छोड़ के आए हो किसी है, ऐसा नहीं है, बताओ सही नहीं कह रहा ना जी, छोड़ के जब कहीं गए ना, तो उससे पहले ना, उससे पहले भी तो आपके पास आए, जब जब आपके पास पहले मेरे पास आया, फिर मेरे पास जो है जगह बनी नहीं, या कुछ परिस्थितियां ऐसी रही, तो फिर ये भाई कहीं और जुड़ गया,
और फिर वहां से भी छोड़ आइए, बात ये है नासा जाएंगे जी तो कुल मिला के चलो मतलब ये कोई है नहीं है, अब कुछ शब्द नहीं निकल रहे पर मैं जानता हूँ कि कोई मतलब नहीं है किसी भी तरह का कोई छोड़ने वाले शब्द यही है जी कि अपना परिवार कोई छोड़ा थोड़ी जाता है। और रही बात छोड़ने की तो ना कभी समझ में आया और ना कभी आएगा क्योंकि बस यही है कि हम सब मिलके बस एक चीज चाहते हैं कि हम अपनी बातों का इतिहास लिखेंगे और कोचिंग के संस्थान में अपना RWA का नाम लिखेंगे। काश हमें मिल जाए आसमान की हुकूमत, हम सितारों की जगह भी RWA का नाम लिखेंगे। और सर संदीप सर की जो घरवाली है ना वो मेरी भतीजी लगे तो मैं जाऊंगा मैं कहता हूँ नहीं जान दू। हाँ ये बढ़िया बात कह दी। चलो भाई जाएगा संदीप, आप तो जाओगे नहीं क्योंकि आपने तो कह दिया कहीं यूट्यूब पर कहीं और देख ही नहीं सकते तो या तो जाएगा नहीं संदीप, अगर जाएगा भी तो सरवीर सर है हमारे पास इसको लाने के लिए। मेरा तो नवीन सर के बारे में भी 2 मिनट कहना चाहूंगा। हाँ हाँ जी, मेरा मोटिवेशन ही नवीन सर है। अरे एक मेरा मानना है कि जो टीचर होता है ना वो कुछ भी पढ़ा सकता है अगर उनसे पढ़ाना आता है तो, वो नवीन सर को देख के लगता भी है। फिर एक मेरा मोटिवेशन अलग तरह से कैसे है सर, मुझे लगता है कि कभी तबीयत खराब होने से भी कुछ एक आध दिन छुट्टी हो जाए मुझे लगे कभी अगले दिन नवीन सर कहते सर आप हटो मैं करूंगा ऐसे आपसी प्यार है नहीं तो कौन टीचर किसको उठते हुए देखना चाहता है। ये RWA पहचान है कि हर टीचर को उठाना चाहता है, यहाँ ये बहुत बड़ी बात है। अजीत सर तो सबसे नए नवेले जुड़े हैं हमारे साथ है ना, कब कौन सा एक जून 2022 तो इनका जून जुलाई और अगस्त समय तो 2.5 महीने ही हुआ है अभी जुड़े हुए सर। तो अजीत सर मतलब ठोकर कई जगह खाए हैं तो ये शायद ये भी नहीं सोचेंगे बिल्कुल है ना। पर इसमें लॉजिक में बताता हूँ ना छोड़ लेगा। हाँ आपने बोला ना फैमिली शिफ्ट कर लो यहाँ, मैंने अपने घर बोला जाके तो मेरी वाइफ कहती मैं जाऊंगी ही नहीं। हाँ। बोले कसम खाओ के यहाँ छोड़ के कहीं जाओगे नहीं। मैंने कहा ठीक है अब तो चलो अब फैमिली शिफ्ट हो गई है तो चौथा है ना वैसे छोड़ने वाला चौथी जगह तो यहाँ चौथी जगह आए हुए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ उनका कहना गलत नहीं है ना उनका सही है लेकिन कुछ परिस्थितियां बनी वैसी जो भी गया वो छोड़ गया लेकिन ये जो परिवार है ना ये मुझे लग रहा है कि सबसे बेस्ट है। यहाँ पे मैंने देखा टीचर को मैं स्टैटिक पढ़ा रहा हूँ जबकि बहुत अच्छे से नवीन सर ने बहुत कराया और मैं नवीन सर से पूछा सर मैं क्या पढ़ाना चाहिए, कहते हैं अच्छा ये वाला टॉपिक लो ये वाली चीजें मैंने वहां कराई उसको थोड़ा सा वो देख लो। तो टीचर को उठाने में जो टीचर सपोर्ट कर रहा है तो ये शायद RWA में हो सकता है वरना और तो कहीं माहौल आगे बढ़ रहा है चल रहा मैं खींच रहा हूँ तो वो ऐसे होता है हमारा हर टीचर दूसरे को प्रमोट करे या उसका हौसला बढ़ाए ये होता है। तो दिग्विजय सर भी कई बार हौसला हार जाते हैं बच्चों के कुछ नेगेटिव कमेंट तो वो भी बड़ी इस बात की कहते हैं कि सर बड़ा हौसला देते हैं टीचर्स साथ तो ये बहुत अच्छी बात है जिसमें मेरी भी जरूरत नहीं पड़ती आप उसमें ही इतना प्यार है कि वो एक दूसरे को उठा लेते हैं अगर कोई इनका भी प्यार मिलता है सर बहुत प्यार मिलता है जो बच्चे काम करते हैं साथ मतलब नए को नया फील नहीं होने। हाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा प्यार ये लोग दे रहे हैं तो उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब ये प्लेटफॉर्म आपको ठीक लगा बेस्ट लगा सर बहुत बढ़िया तो मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट है छोटा बच्चा आ गया है सब ज्यादा प्यार छोटा बच्चा नहीं तो हाइट भले छोटी हो सकती है लेकिन ये जो मुझे लग रहा है एक दो से छोटा हो सकता है समय की वजह से छोटे हो वैसे ये जो मुझे लग रहा है कि मैं बड़ा ही होऊंगा और आ जाओ भाई सर
तो कुल मिलाकर देखो हमारा क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे मौके पे क्या करते हैं कि भाई ये ऐसे हुआ वो हुआ, हमारा क्या है मैं टीचर से एक ऐसा प्रॉमिस लेना चाह रहा हूँ कि तुमको तो छोड़ के ही ना भागे, तो हमारा एक वो ध्येय है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा सर छोड़ने की बात ही क्यों पूछ रहे हो सबसे, इसलिए पक्की करिए हाँ जी 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 बड़े जोशीले टीचर है, कब जुड़े हो आप हमसे? 1 दिसंबर 2020 हाँ, राहुल सर और ये आस पास के गांव के हैं, जब भी कभी स्टूडियो आते दोनों साथ ही आते हैं, तो ये दोनों बड़े जिगरी यार हैं, मतलब पहले से ही ऑफलाइन में दोनों साथ पढ़ाते थे गुलामटी शहर में, तो हिंदी को पूरे जोश से और पूरे अपने अंदाज में मतलब इनको छोड़ दिया जाए खुले तो जीडी के बच्चों को वहीं मतलब नाचने कूदने को मजबूर कर जहाँ वो पढ़ रहे हो, तो कुल मिलाकर ताबड़तोड़ मतलब इनकी एक खास बात बता दूं कि इनकी जो क्लास में वो होता है ना जो करवाता है लाइव, तो वो जो है जो बच्चा मतलब इनमें से स्ट्रीमर होता है जो स्ट्रीम लाइव करता है तो क्लास में बैठ रहता है कमेंट देखता रहता है, तो वो इनकी क्लास में तैयार नहीं होता कोई आसानी से बैठने को, क्यों बहुत तेज बोलते हैं उसके कान यूं कह आज कान में रोई लगा के बैठना पड़ा है, वो इतनी तेज बोलते हैं, तो मतलब ये एक जोश जो आप लोगों के लिए साहिल ऊर्जा का काम भी करता है, चलो बहुत बढ़िया, और छोड़ने छाड़ने की मन में इनके में भी आती हो नहीं आती हो तो बता दो वाली को, छोड़ के तो खेती करूंगा एसएससी जीडी छोड़ दिया पुलिस छोड़ दी 15 में 18 में फिर रोजगार विधि की ज्वाइन करा आप छोड़ूंगा तो खेती करूंगा। और धर्मेंद्र सर भी नए टीचरों में से हैं, पहले तो बताओ नए जैसे आप आए हो तो नया सब भी करवाते हैं तो छोटे हो भी सब सुन नहीं सर, जैसे मुझे लगा है कि मैं ये बड़ी जेन्युइन बात कहते हैं, मुझे इनका थोड़ा सा एक चीज अच्छी लगती है, बड़ी ईमानदारी से बुराई भी लगती है तो मेरे मुंह पे कह देते हैं कि ये बुराई है। तो ये अच्छी बात है इनके अंदर सर, मुझे बस जुड़े हुए ना अभी 6 महीने हुए, लेकिन मैंने जैसे कि सुना है कि RWA परिवार, तो बस वो कहने को परिवार नहीं है, वो वास्तव में एक परिवार है। हाँ, और कल मुझे ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं आई कि मैं यहाँ बस 6 महीने से जुड़ा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ 6 साल से जुड़ा हूँ, मतलब मैं सभी को बहुत पर्सनल लेवल पे जानता हूँ, हर एक आदमी का मेरे साथ इतना कॉम्प्रोमाइज है, मैं तो वैसे भी बहुत कम एक्सपीरियंस वाला हूँ, तो सभी जो सीनियर टीचर्स हैं उनका इतना सारा सपोर्ट, और सर जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनका भी बहुत सारा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, तो उसको देखने के बाद कभी ये फील ही नहीं होता है कि हम यहाँ पे बस 6 महीने से जुड़े हुए हैं, 6 महीने 6 साल के बराबर लगते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इनके बारे में थोड़ा बता दूं कि ऑफलाइन पढ़ाते थे ना, तो एयरफोर्स को ही पढ़ाया आपसे पहले, तो एक्स ग्रुप जो फिजिक्स वगैरह उनकी आती है स्पेशली फिजिक्स ही रहता है, तो वो साइंस में उनका बड़ा नाम था, तो बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई सर ये सर हमारे यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने डेमो लिया, मैंने एक नहीं 2-3 डेमो इनके लिए, क्योंकि एक तो पूरा हिंदी में दो एक पूरा इंग्लिश में दो अगले दिन फिर इनसे बोला, तो फिर जब दोनों को मैंने मिक्स किया फिर मन की एक बाइलिंगुअल दो फिर देखा, तो फिर मुझे लगा मन कि हाँ ये बच्चों को संतुष्ट कर लेंगे, पर अभी ऑनलाइन का एक्सपीरियंस की कमी लग रही है थोड़ी सी, पर वो फिर धीरे धीरे सुधरी, और अब बहुत कुछ ही ऑनलाइन के बारे में जान चुके हैं मुझे पता ही है, और अब सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा है बच्चों के, इनका जो है जो चीज़ पढ़ ली बच्चे ने वो बड़ा खुश रहता है, तो कुल मिलाकर बहुत मेहनती टीचर हैं, हर क्लास को लेकर बहुत खुशी से लिखते हैं, बच्चों का रिजल्ट मुझे देना है, अब EAW की हमने जिम्मेदारी दी है इनको दिल्ली पुलिस में कि भाई वहाँ साइंस 25 नंबर का आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री रहती हैं, और तो इन्होंने मतलब ये बोला कि सर AWO के बाद आप मेरी वो बताना कि भाई बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहता है, तो ये हमने इनको दिया है और वहीं से हम इनको परखेंगे कि ये बच्चों को क्या रिजल्ट देते हैं, जुड़ने वाले टीचर्स में से हैं, तो अभी बहुत सारे बच्चे इनको नहीं जानते होंगे, तो अभी ये ड्राइवर के राही बैच में हमारे में पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर जुड़े हैं, तो ऑफलाइन का मेरे ख्याल से कितने सालों से सर पढ़ा रहे हैं? सर वैसे तो मैं 12 तो पढ़ाता था 6 से, कंपटीशन पढ़ाया 2015 से, तो 7 साल से जो है कंपटीशन का पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में, और ऑफलाइन में अच्छी खासी इनके पास भीड़ रहती है, और सोनवीर सर के पहले से जानकार हैं, तो जैसे ही सोनवीर सर का नाम आता है तो फिर टीचर कोई भी उनके थ्रू उनका नाम लेके आता है, तो हमें विश्वास
मतलब फिर उस पर डाउट करने की जरूरत रह नहीं जाती। तो ये एक विश्वास स्वामी सर का हमें रहता ही है हमेशा। और फिर इनका डेमो और इनका जो ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है वो सब चीज़ें देखी, तो मैथ्स को बड़ा ही स्लो मोशन में, बहुत ही स्लो मोशन में पढ़ाते हैं ताकि हर बच्चे को एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो अभी नए नवेले जुड़े हैं तो इनसे छोड़ने का वो पूछना क्वेश्चन तो बेमानी सी होगी। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, अरे तो ये रंजन सर हैं और सबसे दूर से शायद यही है, बाकी सारे टीचर तो मैं समझूंगा कि मेरे 40 किलोमीटर अगर मैं लगा दूं तो 40 किलोमीटर के अंदर अंदर के हैं सारे टीचर। ठीक है, ये सर है कहाँ से? सर प्रयागराज, इलाहाबाद से। तो वहाँ आपने शायद अपना चैनल भी बना रखा था, आपको क्या नाम है सर चैनल का बता दूं? थोड़ा प्रोफेशन करियर अपडेट बाय इंजीनियर के नाम। हाँ, करियर अपडेट बाय इंजीनियर। तो हमने इनकी वहाँ वीडियो देखी और किसी बच्चे ने सजेस्ट किया, हमारी स्टाफ ने भी देखी थी। तो एक स्टाफ का मेंबर था, उसने कोई एग्जाम निकाला ड्राइवर का वहाँ, उस इनकी वीडियो देख के, और ये बोला कि सर जो पढ़ाया था बिल्कुल एज इट इज आया पेपर में। तो हमें बड़ा प्रभावी लगा, हमने भी फिर इनके डेमो देखने शुरू किए, बहुत पसंद आए। तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए टेक्निकल पार्ट की बड़ी, वैसे संजीव सर बहुत मेहनत कर रहे थे ट्रैफिक वगैरह पार्ट पे, लेकिन टेक्निकल पार्ट में उन्होंने खुद बोला सर मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ। तो ड्राइवर के लिए जो टेक्निकल पार्ट पढ़ाने के लिए स्पेशल, क्योंकि इन्होंने खुद मेरे ख्याल से क्या क्या कर रखा सर टेक्निकल? डिप्लोमा मैकेनिकल से, मैकेनिकल के बाद बीएससी मैंने कर रखा। अच्छा, बीएससी तो टेक्निकल है। तो इनके पास कॉलेज में भी थोड़ा सा पढ़ाने का, पढ़ाने का टेक्निकल ही पढ़ाया आपने। तो ये जो चीजें लगी, फिर मैंने इनसे बातें की, बड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स, और फिर ये यहाँ जुड़े। तो फिर मैंने वीडियोस देखी, बच्चों का रेस्पॉन्स देखा, बड़ा अच्छा लगा, बहुत कॉन्फिडेंस से पढ़ाते हैं टेक्निकल पार्ट। तो रंजन सर आपको भी जुड़ के कैसा लग रहा? आप सबसे नए मेरे ख्याल से 10-12 दिन बहुत अच्छा लग रहा है सर। और मतलब आप ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जानता नहीं था आरडब्ल्यू को, काफी दिनों से जानता, लगभग एक साल से। जी जी। और टीचर्स के मन में काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी है पहले से। क्योंकि जैसे मैं टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह करता था तो उसमें कुछ नॉन टेक्निकल चीजें भी पूछी जी 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 जी। तो उसके लिए मैं वीडियो आरडब्ल्यू के पास देखता था। बड़ा इतनी ईमानदारी से टीचर बता रहा हूँ, ये सिर्फ आरडब्ल्यू में हो सकता है। जी बहुत बढ़िया। तो अभी मतलब आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो स्टाफ के साथ? शुरू में 2-4 दिन लगा, अभी ठीक लग रहा है। चलो, तो बड़ा भरोसा कर रहे हैं ड्राइवर वाले बच्चे आपके ऊपर। हाँ, मतलब टेक्निकल पार्ट का क्वेश्चन एक भी बचना नहीं, मतलब ड्राइविंग पार्ट इनको 40 प्लस चाहिए, 50 में से हो जाएगा 40 प्लस तो आराम से। हाँ हाँ, मतलब ये इनको चाहिए, कराना है। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। चलिए, और जब आप भी तो ये तो पहले तो बता दूं बच्चों, ये एसएससी सीजीएल क्रैक कर रहे हैं 2016 की ज्वाइनिंग है, 2015 का एसएससी सीजीएल पास किया। सीएसएस एक पोस्ट होती है 4600 ग्रेड पे, में तो उसमें जॉब कर रहे हैं। मिनिस्ट्री आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और पैसे के लेन देन वाले हैं। तो कुल मिला के ये डिफेंस के लिए सर जुड़े हैं, और डिफेंस चैनल को मतलब अपने दम पे उठाना चाहते हैं कि भाई सर मैं डिफेंस चैनल की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और बच्चों को जितनी मेहनत होगी मैं करके दिखाऊंगा। और बहुत पॉजिटिव और बहुत शांत स्वभाव, बड़ी मंद मंद स्पीड में पढ़ाने वाले मैथ्स के टीचर हैं, आपको पता ही है। और आगे कभी हमें टेक्निकल भी शुरू करना होगा या एक्स ग्रुप का कुछ पढ़ाना होगा तो 11th 12th का, मैं तो उसके लिए तैयार हैं पूरी अच्छे से। तो आपको पता ही है योग्यता तो काफ़ी अच्छी है ही, पहले बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन परमोंट वगैरह में पढ़ाया हुआ है ना। तो उस चीज़ को फिर अब आरडब्ल्यू पे आपको क्लासेस मिल ही रही हैं। बाकी छोड़ने छाड़ने का सरकारी नौकर में शायद सवाल देता नहीं है। नहीं है ना। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भावना मैम कब जुड़ी है, पहले डेट बताओ। सर मैं 2 बार जुड़ी हूँ। एक बार मैंने ऑफलाइन से स्टार्ट करा था, हार्ट ऑफ ब्लू के साथ, मार्च में, मार्च 2020 था शायद सर, नहीं
मार्च 2020 में तो मेरे अलावा कोई था ही नहीं तो उसके बाद मैंने एक ही बैच लिया था, वो दिल्ली पुलिस का था शायद। हाँ, वो दिल्ली पुलिस में बायोलॉजी आपने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा एक ऑनलाइन के लिए था, एक ऑफलाइन था, दोनों के लिए था। हाँ, तो आपके बीच में कुछ समस्या हो गई लॉकडाउन के बाद? कुछ घरेलू समस्याएं रही थी। हाँ, तो उसके बाद फिर आप कब जुड़ी हैं? 12 से मार्च में। अब ये परमानेंटली जुड़ गई, अब कोई समस्या होगी नहीं? बिल्कुल नहीं होगी सर। तो मार्च मैं तो विद फैमिली जुड़ चुकी हूं। हां, और ये भी बता दूं कहां आते हो? बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी सर कि सर को जरूर। हां, प्रवीण जी आ जाओ, सबको दिखाने पड़ेगा। मतलब ये जुड़ी हमारे साथ और इन्होंने इनको जोड़ा। और ये जो है मैनेजर का काम, मतलब मैम को हो या सारे टीचर्स को मैनेज यही कर रहे हैं, इनको मैनेज मैं करती हूं। हाँ, नहीं कई बार लगता है कि ये हर जो भी कोई काम में इनसे पूछता हूँ कि ऐसा करना है, एक बार पूछ लेता हूँ तो ये करते हैं। तो मैम का काफी डर है इनके अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। प्रायोरिटी टीचर्स को दी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम अगर दोनों को कुछ हुई तो मैम की ज्यादा सुनेंगे। अच्छा, मैम जब आई तो मैम ने ऐसे इंट्रो कराया कि सर एक मेरे जानकार हैं और वो वहाँ बैठे हैं जो गाड़ी में, आप कहो तो आपको अगर मैनेजर की जरूरत हो तो मैं बुला लेती हूँ। और उन्होंने मैनेजमेंट का काम देखा है काफी बड़े बड़े अच्छे कोचिंग सेंटर्स में। तो मैंने कहा मैम चल रहा मैनेजमेंट का काम, तो कोई सर कोई जरूरत हो तो बता देना। फिर बोला मैं यार जरूरत तो पड़ी जाती है, एक बार बात कर लेते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा हंस के बताया कि सर वो मेरे हस्बैंड है, मैं अब तो हमें बात करना ही पड़ेगी। तो फिर बात करी और फिर इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था पहले मैनेज करने का, तब से आए हैं। मुझे भी लग रहा है कि RW पे बहुत सारी समस्याओं को हल भी किया है अपने रूम पे और बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से स्टाफ को, क्योंकि केवल मैनेजमेंट यही नहीं होता कि भाई वो चीज़ वहाँ रखिए उसको ऐसे कर दो, नहीं, सारे स्टाफ को किस तरह से काम कराना है, कितने अच्छे से काम कराना है। पहला बहुत एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि वो सिर्फ ऑफलाइन का था, ऑनलाइन का यहीं सीखा और यहीं फिर मैनेज किया बहुत। और मेरे ख्याल से शायद सब खुश होंगे, कोई दुखी है तो अभी बता दो, अब इनकी क्लास लगेगी, मैम भी है मैम भी। तो बताओ भाई कोई जिसको परेशान करते हो ये, अरे बताओ रजनीश बताने। एकदम बढ़िया बताया, बढ़िया शिकायत इनकी करते हो कर, ये जो इनाम विनाम दिए जाते हैं ना स्टाफ को, वीकली परफॉर्मेंस मंथली, वो यही सेलेक्ट कर रहे हो सर? तो हम बोल देंगे ना मेरा वीकली कट जाएगा। ये फिर आपका जो इनाम वैसे नहीं मिलेगा है। तो और कोई बताओ है? चलो नहीं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, हमें भी लग रहा है मेहनत। रात को 8 बजे ही जाते हैं ऑलमोस्ट यहाँ से, सुबह को हमेशा 9 बजे आ ही जाते हैं और पूरे दिन संडे कोई लिया ही नहीं जब से आए हैं, संडे में भी पूरा काम करते ही रहते हैं। कुल मिला के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से, मतलब अपना काम समझते हैं, है ना। तो सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे टांगे हुए हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया, सबसे इंट्रो हो गया, कोई बचा तो नहीं? सर आ जाओ भाई, इनको तो सब लोग जानते हैं, बहुत कम टाइम में। वैसे इनके सामने जो कंपटीटर था ना चैनल पे, वो बड़ा मुश्किल कंपटीटर था। कौन था? नवीन। तो अब नवीन को काटना है हिंदी में, तो वो तो आपको भी पता है कि वो कितना मुश्किल है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में उसको पीछे छोड़ना। पर नवीन को बहुत अच्छा कंपटीशन मिला, नवीन की याद ना आए बच्चों को, उसके लिए भरसक प्रयास किया। चाहे इसमें नवीन की खुद की गाइडेंस लेनी पड़ी हो या मुझसे कुछ पूछना पड़ा हो कि हिंदी में सर ये सब ऐसे करना है, तो मतलब जुट जाना है पूरी तरह से, हर चीज़ हर सजेशन सबसे छोटा बन के लेना है। मतलब ये है, मतलब ऐसा नहीं लगेगा भाई मैं एक टीचर हूँ, मैं दूसरे टीचर से क्यों पूछूं। तो ये इनमें सबसे खास बात मेरे को लगी कि भाई ये जो ना बिल्कुल बच्चे बन के कि मुझ पर नहीं आ रहा कुछ भी, तुम ही बता दो ये क्या है, और उसको पूरे मन से एक्सेप्ट करना, ये बहुत अच्छी आदत थी इनकी। और मुझे तभी लग गया था जब ऐसी चीज़ें पूछते थे और इतने मन से एक्सेप्ट करते थे, तो मुझे लग गया था मन कि भाई ये टीचर बहुत मेहनती है।
और ये बहुत अच्छा नाम करेगा कभी। और अब जो जैसे सीटेट में क्लास ले रहे हैं या कहीं भी क्लासेस ले रहे हैं हिंदी की, आप देखिए फॉरेस्ट गार्ड वगैरह में बच्चे पूरी तरह से प्रसन्न हैं और बहुत खुश हैं। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि भाई हमने किसी दूसरे टीचर को नवीन से अलग रखा है ना, तो वो बिल्कुल कमी एकदम मतलब महसूस नहीं होने देते। और एक बुधवार का यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट भी लेते हैं आपको पता है, तो वहाँ भी बच्चे बहुत खुश रहते हैं इनसे। तो अभी कब जुड़े हो, तारीख वारीख बताओ। 1 फरवरी से और जुड़ना तो इनको बहुत पहले से था, पर ये पहले बहुत बहाने बनाते थे जुड़ने का, है ना। जिम्मेदारी थी उस टाइम पे, ऑनलाइन पहले पढ़ाया नहीं, अपने चैनल पे पढ़ाया था कुछ। बहुत बढ़िया, अपने चैनल पे ठीक है। तो फिर 2-4 वीडियो ही डाली थी, तो अभी यहाँ से कब जाओगे? यहाँ से नहीं जा रहे, कब तक? और साथ ही नहीं, इनके साथ ही नहीं हुई ना। ऐसा है कि जो वाइफ आती है मुझे उन पे ही खतरा लग रहा है, वो आजकल ऐसे समझा देती है कि दूसरी जगह ज्यादा पैसा है, ये वहां शादी करूंगा। अगर ऐसा खतरा आया तो शादी नहीं करेंगे, ऐसा भी है। कह दो एक बार, अभी नहीं कर रहे, कब करोगे? 2024 के लास्ट में। 24 तक तो है, 24 के लास्ट में, 24 के बाद में भी रहेंगे। नहीं, 24 के बाद, 24 के लास्ट में करोगे शादी? ऐसी लाने गई ना जो ऐसे कहे। कह रहा है कि ऐसी लाऊंगा ही नहीं जो ऐसे कहेगी, मतलब कैसे पता लगाओगे ऐसे कि ऐसे कहेगी नहीं? चरित्र से पता चल जाएगा कैसा कौन कैसा, तो और कुछ मतलब इस तरह हाँ, इनका विश्वास तो मतलब कोई भी अंधा कर सकता है, ये तो खैर नहीं कर सकता मतलब। अच्छा मेरे को करेक्ट करने हैं सामने इतना, चलो बढ़िया, ये आवेश में निकल जाते हैं सर ये सब। चलो बाकी ऐसे ढूंढेंगे लड़की जिसकी खुद की भी आरडब्ल्यू के प्रति अच्छी श्रद्धा हो, मतलब वो आरडब्ल्यू की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हाँ ये पहले कैसे ऐसे कैसे पता लग जाएगा? मम्मी पापा देखेंगे, ये बात क्या बन। चलो सरवण कुमार, चलो माता पिता की ज्यादा मानते हैं वैसे। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, तो कुल मिला के बहुत हो गया। आप केक काट लो, ये भी मीनार आ इतनी देर से, आ जाओ जी केक काटते हैं। 2 साल अपने घर में साल इसकी डांट चलो कैसे कैसे काटना है अच्छा बच्चे को बुलवा लाए छुट्टी सारा स्टाफ है। कौन बच रहे हैं आज स्टाफ मेंबर? दीपक सर और दिग्विजय सर, दिग्विजय सर, प्रदीप सर और
नहीं सर भाई लड़कियां आके और मैम हो जाएंगे बीच में और आप लोग ही काट दो, बेटी भी आ रही है उनको लेके काट दो और बांट दो ज्यादा बजाय काट तो देंगे बांटने का काम इधर से सीधा ले लो इसे ले ले ये बढ़िया लगेगा ले भाई फोटो ले जाओ दोनों काम कर लिए साथ साथ में चलो हाँ पंखा चला दो तो स्टाफ में से रह रहे हैं ना कुछ ये तो टीचिंग नहीं वैसा वाला राहुल है राहुल शौकिंदर जी तुम कैसे आदमी हो ऐसा मारेगी आ जाओ जाओ यहाँ से सब देखो मेरी शिकल पे है कोई ऐसे है बताओ कल देख के बताओ सही से है अच्छा तो सही चलो नेताजी काटो आ जाओ आ जाओ सब बुलाओ छोटी सी उठाओ सब ऊपर को वो है तोड़ गई सब ठीक है यहाँ बैठ जाओ यार पोस्टर वाला पोस्टर वाला नहीं बांट दो सबके भारी हो रही है अरे वो तो दे नहीं
क्या हो रही है? आवाज सुन लगी बस चाकू ले आओ ऊपर से मंगलिया निखिल बांटने के लिए शाम को सोनू बोलो दीपक दीपक एक चम्मच किसी और रिश्तेदार के साथ देना सोनी से चम्मच मांगो दीपक सर रसगुल्ले लेंगे मुकुंदे मुकुंदे लेके जा रहे गरीबन ने कुछ नाम दिया बाद में गरीबन को कुछ नाम दिया थोड़ा टाइम से लेके